नहीं सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही बड़ी है बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके शो में हम ऐसे क्यों हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा कि हमारा मेन उद्देश्य इस शो में है ये जानने का कि हम दूसरे के बारे में दूसरे का ख्याल रखते हैं कि नहीं, दूसरे की चिंता है हमें कि नहीं। अलग अलग क्षेत्रों में हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे सड़कों पर हो, चाहे मॉल्स में, चाहे होटल्स में, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समाज एक समझदार समाज है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वो कौन से कमजोर क्षेत्र हैं जिनमें हम अपने आप को इम्प्रूव कर भारत को एक रियली महान देश बना सकते हैं। गांधी जी की यात्रा पर मेरे को एक बात याद आ रही है, जब वो कहते हैं कि यात्रा हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो दूरियां हैं, उनको कम करती है, वो हमें पास लाती है। छुआछूत के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन बहुत गहरा अर्थ था उनका इस बात के पीछे कि यात्रा हमारे बीच की दूरियां कम करती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट, किरण पुरुषोत्तम, इनके पास 38 साल का एक्सपीरियंस है एक बड़ी एयरलाइन के साथ, एस डीजीएम ये रिटायर करी, और नीति सिंह, इनके पास भी कई सालों का एक्सपीरियंस है एज अ सीनियर कैबिन क्रू इन एन इंटरनेशनल एयरलाइन। वेलकम। थैंक यू। सो प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ एक क्लिप। विज्ञान तकनीकी उन्नति के साथ साथ जीवन का स्वरूप बदला, सहज हुआ और कम हुई दूरियां अनेक द्रुतगामी साधनों से। सर पर दौड़ते सड़कों पर वाहन, तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां और आकाश में विचरते अनेक हवाई जहाजों द्वारा लो कॉस्ट एयरलाइंस ने हवाई यात्रा मध्यम वर्गीय लोगों तक पहुंचाई और एक बड़ा वर्ग अब हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने लगा। विमान तलों पर अचानक जन समूह का विस्तार हुआ और साथ ही हम अपेक्षा करने लगे कि एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं का यात्री सही तरीके से प्रयोग करें। हम शालीन सभ्य तरह से हवाई जहाज में स्टाफ व सहयात्रियों के साथ पेश आए। इस तरह हमारा उचित व्यवहार हवाई अड्डे पर साफ सफाई और व्यवस्था रखने में सहायक होगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में आप जाएं, घूमे जाएं, देखे जाके, चाहे वो हमारे नेबर्स पड़ोसी कंट्री क्यों ना हो, हम इंडियन की एक बड़ी गंदी आदत है जिसमें कि हमें एक आधारभूत पूरी तरीके से नीचे से लेके ऊपर तक का अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। और कई बार तो हमने देखा है और मैंने खुद पाया है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग ट्रॉली में सामान रखते हैं, अपना सामान उठाया, कार में रखा और ट्रॉली को वहीं पे छोड़ के चले गए। शायद इसके लिए कुछ दूसरी कंट्रीज के जो अपग्रेडेड सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ट्रॉली को लेने से पहले वो लोगों ने कोई क्वाइन या रुपेस को निकाल के लगा दिया जाता है, तो कुछ ऐसे सिस्टम लगाया जाए, शायद इस चीज में सुधार किया जा सकता है। कप का प्याला या मे बी पान खाकर थूक देना या चिंगम को खाते रहना या पान पराग खाते रहना, और इस चीज को एयरपोर्ट में या कहीं पर भी आप देख सकते हैं, बहुत बार पैसेंजर्स करते हैं, बहुत बार वहां के एम्प्लॉयज भी करते हैं। आशा की जाती है और करनी चाहिए और मैं करता हूं कि सभी लोग इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपने एटीट्यूड में चेंज लाएं और उसके साथ साथ अपनी चीजों को ऐसा ना समझे कि ये मेरी नहीं है। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन भी हमारा है और यदि हम उसकी सफाई के साथ रखते हैं तो हमारी कंट्री का नाम होता है और हमारे लोगों को लोग अच्छा समझते हैं। पर ये एटीट्यूडिकल चेंज लाना होगा, हमें अपने मन में अंदर से हृदय से चेंज को लाना होगा। पब्लिक हैज टू बी कोऑपरेट टू कीप द एयरपोर्ट वेरी क्लीन फॉर सिक्योरिटी पर्सन, इफ दे इंसिस्ट ऑन डूइंग दीज थिंग्स, पब्लिक हैज टू बी वेरी कोऑपरेटिव फॉर दीज थिंग्स। जैसा कि आपने देखा, हम ही लोग नहीं सोच रहे हैं और भी लोग बोल रहे हैं कि शायद हमारे व्यवहार में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि हमें अपने हवाई अड्डे को अपना समझना होगा। शायद क्योंकि हम सैकड़ों साल गुलाम रहे इसलिए हम सरकार की संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं समझते, क्योंकि सरकार तो हमारी थी नहीं।
तो एनीवे आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप बताएं कि हवाई अड्डे पर हमारा कैसा व्यवहार रहता है, लोगों का चेक इन वगैरह। हमारे यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, अलग अलग क्लासेस के हैं, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस से हैं, पॉलिटिकल स्टेटस है, या उनको ऑफिस का कोई रैंक्स है, या फिल्म आर्टिस्ट है, या पर्सनल आर्टिस्ट है। इन सबसे अलग अलग तरह का व्यवहार होता है, इन सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। पर आम साधारण व्यक्ति आता है, अपना बैगेज चेक इन किया, बोर्डिंग कार्ड लिया, सिक्योरिटी करी, वो फ्लाइट पे चले गए, उनको दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है कि जब या तो हमारी तरफ से कोई परेशानी है और पैसेंजर को परेशानी हो रही है, या वो लेट आते हैं, या एक्सेस बैगेज लेके आते हैं, या उनका टिकट वेट लिस्ट है और कन्फर्म नहीं है और उनको ट्रैवल करना है, उस वक्त एक दूसरे की बात ना समझ पाना ही एक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। वेट लिस्ट है तो अर्जेंसी अपनी दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास अगर सीट नहीं है फ्लाइट में तो वो हमारी बात नहीं समझ पाते, हम उनकी अर्जेंसी नहीं समझते, तो उसमें झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाते हैं। या एक्सेस बैगेज है, टिकट का आप किराया जितना मर्जी कर दीजिए वो दे देंगे, एक्सेस बैगेज 2 किलो भी अगर आप चार्ज करना चाहेंगे तो वो देके राजी नहीं। उसमें फिर वो फोन लगाएंगे, एक को करेंगे, दूसरे को करेंगे, किसी ऑफिसर को बोलेंगे, 100-200 रिश्वत भी देने को तैयार हो जाएंगे, टिकट के बीच में रख के दे देते हैं, बहुत ऐसा भी होता है। और अगर आप स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, आप क्योंकि आप एयरलाइंस के लिए काम करते हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सेस बैगेज तो एक मुद्दा है, हर दफा वो नहीं देना चाहते हैं। जैसे ही एक्सेस बैगेज का पॉइंट आया तो वो या तो कोशिश करेंगे कि किसी को फोन लगाएं, चाहे ट्रैवल एजेंसी को या किसी को भी, जिससे प्रेशर लगे और वो निकल जाए, उसको वे ऑफ कर दें, वे ऑफ कर दें, और नहीं तो वो इवन ब्राइब्स पे भी आ जाते हैं। लेकिन आपने ये कहा कि साधारण आदमी जो है वो आराम से आके करवाता है, सब कुछ चला जाता है। जो असाधारण, जो वीवीआईपी कैटेगरी है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है आप बताएं। वेल, टिपिकली अगर आप फिल्म स्टार्स या वीआईपीज की बात कर रहे हो तो आई थिंक इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको अटेंशन की आदत होती है। तो वो अटेंशन इज द ओनली थिंग दैट दे वांट। तो अगर प्लेन में आ गए और बाय चांस किसी ने गौर नहीं किया कि कोई फिल्म स्टार या कोई बैठा है, तो वो भी तकलीफ हो सकती है। बताना भी है कि मैं हूं, और कैसे बताएं, फिर थोड़ा शोर मचा के, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें मांग के, सो एनी विच वे ऑफ गेटिंग अटेंशन। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा अटेंशन किसी को देते हैं तो धीरे धीरे वो उसकी खुराक बन जाती है, जब भी उसको खुराक नहीं मिलेगी वो, तो हमें काटने को दौड़ेगा। और दूसरा प्रोटोकॉल, हाँ। चेक इन और इवन एट अराइवल्स प्रोटोकॉल्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, उसमें क्या प्रोटोकॉल का? तो जो खुद जाने वाले व्यक्ति हैं, वीआईपी हैं अगर आप, तो उनको परेशानी नहीं है, वो तो लेट आएंगे, लेकिन जो उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं वो आउट ऑफ द क्यू में तो चेक इन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बाहर को साहब को भी रिसीव करना है, या बैगेज भी देना है, उसको बैगेज आइडेंटिफिकेशन का अगर प्रोसीजर है तो वो भी जाके करना है, वो क्यू के बिना हर दफा चाहते हैं। करेक्ट। फिर सीट भी मर्जी की चाहिए, अगर एक फ्लाइट में 2 या 3 वीआईपी है, सबको 1A सीट चाहिए, तो नहीं हो सकता। तो अब उसमें उनको प्रेशर है कि मेरा बॉस सीनियर है, हर एक के लिए उसका बॉस महान है, लेकिन एक एयरलाइन ऑफिसर होकर हम क्या करें, दोनों को 1A सीट नहीं दे सकते। Correct. तो वो प्रोटोकॉल का हमें प्रॉब्लम होती है, फिर वो हमारे बॉसेस को फोन करते हैं, हमें वहां से फोन आता है, अभी देख लेना, कुछ कर लेना, अब क्या कर लोगे? एक को 1A दोगे तो दूसरे को 1B देनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पर्टिकुलरली, इनसे ज्यादा परेशानी होती है, हमें जाने वाले वीआईपी से परेशानी नहीं होती। एक बड़ा अच्छा वाक्य मेरे को याद आ रहा है कि क्यों बार बार तोड़ क्यों देते हैं, तो उस दूसरे अधिकारी ने बोला, लाल बहादुर शास्त्री जी अगर खुद किसी भी क्यू में खड़े होते थे कभी नहीं तोड़ते थे क्यू। तो आपके केसेस, आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कोई केसेस आए जो लाल बहादुर शास्त्री जैसे थे? बहुत है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। हाँ, कैसे? आएंगे, अपना ब्रीफ के साथ में होगा, अपने फ्लाइट का काउंटर देखेंगे, चेक इन करेंगे, बोर्डिंग कार्ड लेंगे और चले जाएंगे। आप उनको स्माइल करें, उनके पास जाके अगर उनका प्यून ले जाके ब्रीफ केस उठाना भी चाहें तो वो नो थैंक यू बोल देंगे, अपना साथ है। चिदम्बर साहब अपने आप ट्रैवल करते हैं, और काफी लोग ऐसे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब हमेशा इकोनॉमी में ट्रैवल करेंगे, चुप से आएंगे जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होती। ब्यूटीफुल। ऐसे लोगों से हमें कुछ सीखने को है। आप बताइए, कैबिन क्रू में आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं? वेल, आई डोंट नो प्रॉब्लम्स कहूं कि क्या, लेकिन आई थिंक जो बेसिक एक मेंटेलिटी है कि हमें है कि जो सर्व करता है हमें, वो थोड़ा एक मिस्टेक कर देते हैं हम उसको डोमेस्टिक हेल्प के लिए। वो सिर्फ ये एक डोमेस्टिक हेल्प है जो शायद अंग्रेजी में बात कर लेती है, या शायद कपड़े थोड़े दूसरे पहने हुए, पर एक मेंटालिटी वो ही है। और उसी रोब से जैसे हम यूज टू है डोमेस्टिक हेल्प को ट्रीट करने के लिए बाय एंड लार्ज, वैसे हम अपने कैबिन क्रू को ट्रीट करते हैं। एंड
वो थोड़ा स्ट्रेंज है ऑफ कोर्स. मतलब एक कहीं पर हमारी ये हम उनको सर्वेंट समझ लेते हैं ऑलमोस्ट. यू कुड से दैट. और वो खास करके जो विच इज अ सैड थिंग कि जो हमारे फेलो कंट्रीमैन है जैसे मी एज एन इंडियन, वो हो सकता है कि वो मुझे ज्यादा समझेंगे लेकिन मेरी कोई कॉलीग होगी जो दूसरी नेशनैलिटी की होगी सो उससे ये लिबर्टी नहीं लेंगे कि ये हमारा शोषण सह लेंगे. लेकिन अगर वो वेस्टर्नर होगी एयर होस्टेस तो वो हमारा शोषण ना सही नहीं. कोशिश तो करते हैं अब कितने यू नो. तो ये तो हो गया स्टाफ की तरफ रुख जी. उनका अपने को पैसेंजर्स की तरफ कैसा रुख रहता है? वो उनके लिए कंसर्न रहते हैं कि नहीं रहते? ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ मिक्स्ड लॉट. पर क्वाइट ऑफन ये भी है कि बिल्कुल कंसर्न नहीं रहते. इट्स ऑलमोस्ट के यू नो कि आपको कोई ख्याल ही नहीं है कि आपके लेफ्ट राइट कोई बैठा हुआ है. फॉर छोटी सी चीज जैसे यू नो कि अब धीमी आवाज में बात करें, यू नो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, वो कोई है ही नहीं कि यू नो लेट मी नॉट डिस्टर्ब समबडी एल्स. वो पिक्चर देख रहा है या वो किताब पढ़ रहा है शांति से आंख बंद करके बैठा हुआ है, जो भी है. तो चार सीट्स रोज अक्रॉस आपने बात करनी है तो करनी है और अपनी ही आवाज में करनी है चाहे कोई डिस्टर्ब हो ना हो. वो सीट जैसे वो मेरा एक 8-10 जो भी घंटे है के लिए वो मेरा घर हो गया. सिंहासन. हाँ सिंहासन हो गया बिल्कुल. सो वो अब वो मैंने खरीदी है जो भी अपने जितने पैसे दे के, अब मेरा हक है कि मैं यू नो इसकी वसूलियत पूरी करूं. तो चाहे मैं पीनट्स खाऊं तो वहीं पे पैकेट फेंक दूं, यू नो बॉटल्स वहीं फेंक दूं. अब मानेंगे नहीं जब पैसेंजर उठता है वो 8-9 घंटे के बाद, इट्स ऑलमोस्ट एम्बेरसिंग टू सी के उसके अराउंड इतना यू नो लिटर किया होता है. सो विच इज मैंने ये भी देखा है कि कई बार वो जूते उतार लेते हैं. हाँ. और उनको ये इसकी बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि शायद उनके पैरों में से बदबू आए जो दूसरे लोगों को सहन ना हो पाए. और जिस तरह से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद भी मैंने देखा है कि वो कवर नहीं करेंगे उसको. सो विजुअल पोल्यूशन हो रहा है विजुअली. इट्स यू नो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फॉर फेलो पैसेंजर, फेलो पैसेंजर, फॉर द क्रू, फॉर एवरीबडी टू सी. इट्स अनहाइजीनिक यू नो बिल्कुल देखने के लिए. वो खाना खाया वहीं पे पानी डाल दिया. और या ये भी ख्याल नहीं आता कि लिमिटेड सीट्स हैं और स्टोरेज है इतने अमाउंट ऑफ मील्स के लिए, तो इतना ही खाना होगा. तो भूख लगी है तो और चाहिए, अब कहां से लाएं. वो लॉजिक नहीं इस्तेमाल करना, बस वो हक है कि मुझे तो चाहिए. कभी कभी नॉनवेज और वेजिटेरियन के जो ऑर्डर्स जाते हैं मील्स के जी. वो एयरलाइंस बराबर सप्लाई नहीं करती हैं कि ऑर्डर जा भी चुका है फिर भी सप्लाई नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? मतलब उनकी तरफ से भी देखें, हम यात्री ऑल्सो, हम भी यात्री हैं, हमसे भी गलतियां होती होंगी. लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि एयरलाइन से भी गलती होती है. सी गलतियां तो सबसे होती है, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक शी नो बेस्ट इन दिस. के होता है कि व्हेन यू आर बुकिंग योर टिकट आप तभी बता देते हैं कि आपका मील क्या है, वेदर इट्स एशियन वेजिटेरियन मील है कि नॉन वेज है. ये सो उसमें पैसेंजर्स को गलती लगती है. सो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन. वो सोचते हैं कि यू नो सो दैट ऑल्सो हैपन्स. कभी कभी ऐसा भी मैंने सुना है और देखा भी है कि एयर होस्टेस का रुख इंडियन की तरफ थोड़ा सा कॉन्डिसेंडिंग होता है और वेस्टर्नर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंडली और ज्यादा केयर टेकिंग होता है. इसके बारे में क्या कहोगे आप? मेरे को तो एक्चुअली ऐसे लगता है कि जो पैसेंजर होता है उसका रुख एयर होस्टेस की तरफ डिफरेंट होता है. इस वजह से आई थिंक इट्स बोथ वेज कि सी इट्स अ म्यूचुअल थिंग. जो आपको रिस्पेक्टफुली बात करेगा आप उसे रिस्पेक्टफुली जवाब देंगे. इट्स लाइक यू हैव इट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो आई डोंट थिंक इट्स ट्रू के इनफैक्ट इंडियन क्रू क्यों होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में. वो इंडियन पैसेंजर्स के लिए ही होता है खास करके. वो दे आर नॉट देयर फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग पैसेंजर्स. वो क्यों इंट्रोड्यूस किया? इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया है, सेफ्टी की वजह से, कि जब व्हेन देयर इज अ इमरजेंसी गॉड फॉरबिड सिचुएशन योर कम्युनिकेशन इज बेस्ट पॉसिबल विद योर इंडियन. इंटरेस्टिंग पॉइंट. आपका क्या कहना है इस बात में कि इंडियंस का और लेट अस से एनआरआईज का और फॉरेनर्स का की तरफ हमारा अलग अलग रुख होता है या इनका व्यवहार हमारी तरफ अलग अलग होता है क्या? नहीं, फॉरेनर्स का या नॉर्मल इंडियन पैसेंजर्स का तो कोई व्यवहार हम क्लासिफाई अलग नहीं कर सकते. पर खासकर मेरे जितने साल के इतने एक्सपीरियंस हैं, वो इंडियंस जो फर्स्ट जनरेशन इंडियन है, ताजे ताजे हिंदुस्तान से बाहर गए हैं, वहां का माहौल देखा है, वो जब इंडिया वापस आते हैं तो